नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। भोपाल में आज एक बड़ा हादसा हो गया। गणेश विसर्जन के दौरान खटलापुरा घाट पर नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। नाव में कुल 19 लोग सवार थे, 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सीएम कमलनाथ ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया है। आपको बता दें कि तड़के 3 बजे पिपलानी के युवक गणपति थे उनके विसर्जन के लिए गए हुए थे। सभी इसी दौरान यह हादसा हुआ। नाव पलटने की सूचना मिलते ही प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए और एसडीआरएफ की टीम ने राहत व बचाव कार्य किया। हादसे की जानकारी मिलते ही मंत्री पीसी शर्मा और विधायक आरिफ मसूद भी तत्काल मौके पर पहुंचे। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए। और अब आपको बता दें कि ताजा जानकारी के अनुसार 11 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको सरकार की तरफ से 11 लाख रुपए की राशि अब दी जाएगी, जिसे बढ़ा दिया गया है। 11 लाख राशि अब कर दी गई है। और आपको बता दें कि खटलापुरा घाट पर यह हादसा हुआ। गणेश विसर्जन के दौरान ये लाइव तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब गणेश जी विसर्जन के दौरान ये नाव किस तरह से, आप देखिए कि जैसे ही गणेश जी विसर्जित होते हैं नाव का बैलेंस यहां पर बिगड़ता है और उसके बाद जब नाव डगमगाने लगती है तो जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं और उसके बाद पानी में कूदना शुरू कर देते हैं, जिससे नाव का बैलेंस और ज्यादा बिगड़ गया और नाव डूबने पर आ गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें उस वक्त की हैं जिस वक्त यह हादसा हुआ। और यह हादसा, जो मूर्ति है वो बड़ी मूर्ति थी, भारी मूर्ति थी, जैसे ही वो बैलेंस गिरी नाव अनबैलेंस हुई। यहां पर आप देखिए किस तरह से अनियंत्रित हुई, लोग घबराकर नाव में इधर उधर होने लगे, जिससे नाव और अव्यवस्थित हो गई और डूब गई। यह पूरा हादसा सुबह 3:30 बजे के तकरीबन का है और इसमें, इस हादसे में 11 लोगों की मौत बताई जा रही है, उसकी खबर है। 2 लोग अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। बरामद उनके अभी तक नहीं हुए हैं, ये दोनों ही लोग जो लापता हैं, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं अब आपको बता दें कि सरकार की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं जो मृतक के परिवार हैं उनको 11 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। आप देख सकते हैं विपक्ष के नेता भी पहुंच गए हैं, वहीं जो और मंत्री सरकार के हैं, चाहे वो पीसी शर्मा हो, आरिफ अकील हो, सभी मौजूदा स्थिति पर पहुंचे हैं, उस जगह पर पहुंचे हैं। वह विपक्ष भी पहुंचा है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो पीड़ित परिवार है उनको ढांढस बंधा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है और यहां पर विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की लापरवाही करार दे रहा है, क्योंकि यह पहला वाकया नहीं है, लगातार इस तरीके के वाकये सामने आते रहते हैं। सरकार को ऐसे जो तालाब है जहां विसर्जन की प्रक्रिया होती है वहां पर पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हम एरिया पहुंचे हैं। भोपाल में एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, परिजनों से मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। सर, बड़ी घटना एक भोपाल में हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यह आपराधिक लापरवाही है। गणेश विसर्जन हर साल होता है, भगवान गणेश जी की प्रतिमा का, भीड़ होती है, उत्साह में नौजवान नाव पे चढ़ते हैं। रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं थी, गोताखोर क्यों नहीं थे, लाइफ जैकेट क्यों नहीं थी, ये आपराधिक लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है। अब वो परिवार जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे चले गए, बेसहारा हो गए हैं, एक तो इस दुर्घटना के लिए जो जिम्मेदार, लापरवाही के कारण जो दुर्घटना हुई उसके लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कम से कम पीड़ित परिवार के जो विशेषकर माता पिता हैं उनको आर्थिक सहायता 25 लाख रुपया दें ताकि बुढ़ापा कट सके और एक शासकीय नौकरी भी दें। बच्चों को नहीं ला सकते लेकिन
उनके परिजनों की जिंदगी, माता पिता की जिंदगी, बुढ़ापा ठीक से कट सके, इसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए। सर इतना बड़ा आयोजन था राजधानी भोपाल में और वो भी एसडीआरएफ की मुख्यालय के सामने, इतनी बड़ी घटना। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब पता है कि भीड़ इकट्ठी होती है, उत्साह में बच्चे रहते हैं, सुरक्षा के और रोकने के कोई इंतजाम नहीं थे। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मसूरी पहुंचे हैं और साफ तौर पर कहा है कि ये एक बड़ी हृदय विदारक घटना है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी मृतकों के परिजन हैं उन्हें एक शासकीय नौकरी देने की मांग शिवराज सिंह चौहान करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राकेश मकोरिया के साथ प्रमोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। भोपाल प्रभारी डॉक्टर गोविंद सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। सर एक बड़ी घटना हुई है, घटना हुई है, हम स्वीकार करते हैं। इसके लिए जिन लोगों ने घटना में शामिल है, जिनकी शामिल रहे हैं, उनकी गलती से हुई है लापरवाही, उनके खिलाफ जांच मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या मानते हैं सर, बड़ी लापरवाही है? लापरवाही तो है, मानता हूँ, नहीं घटना इतनी बड़ी घट गई, बेचारे बच्चे चले गए, हम उनके परिवार के दुख में शामिल है, दुखी भी है। सर सर किस बड़ी घटना हुई है भोपाल में? ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है और इसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है, जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको सजा मिली। ये सरकार के मंत्री हैं गोविंद सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है बड़ी घटना है और पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी, और वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी का साफ तौर पर कहना है जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन राकेश मगोरिया के साथ प्रमोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल में नाव हादसे का बड़ा फैसला इसमें आया है, नाव से मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई है, घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, मृतकों को 50,000 की तात्कालिक मदद और कलेक्टर ने जारी की है सहायता राशि। नाव हादसे के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है, नाव से मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई है, घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और तात्कालिक मदद के तौर पर मृतकों के 50,000 रुपए की सहायता राशि पर बात। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए प्रमोद शर्मा। प्रमोद, यहाँ पर एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा फैसला कि जो रोक लगा दी गई मूर्ति विसर्जन पर नाव पर, एक बड़ा फैसला लिया गया है। बाकी में देखिए इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है और वो भी मूर्ति विसर्जन को लेकर हुई है और ये वाकई में रिस्क भरा जो जिस तरीके से विसर्जन जो आयोजन का है हम और घटना के बाद में अब प्रशासन जागा है, हालांकि बहुत देर हो गई जागते जागते प्रशासन को। अब भोपाल, राजधानी भोपाल में इस तरीके से मूर्ति विसर्जन जो है नाव के जरिए नहीं की जाएगी और वो इस घटना के बाद सीख ली है प्रशासन ने और भोपाल के कलेक्टर ने तत्काल मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। तमाम जो इस घटना के जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं और जिनकी लापरवाही के चलते ये जो बड़ा हादसा हुआ है, उन दोषियों की जांच शुरू हो गई है और जो मृतकों के परिजन है उन्हें तत्काल अंतिम संस्कार के लिए 50,000 त्वरित सहायता राशि देने का कलेक्टर पिथौड़े ने ऐलान किया है। देखिए बड़ी घटना है, 11 लोग काल के काल में समा गए हैं, वो भी एक मूर्ति विसर्जन और कुछ लोगों की लापरवाही के दौरान, जहां पर देखिए सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है खंडापुरा क्षेत्र, जहां PHQ है और तमाम जो सरकारी बड़े बड़े दफ्तर हैं, वहां पर इस तरीके से लापरवाही पूर्ण नाव से विसर्जन करना और एक दो या एक दर्जन नहीं 19 लोगों का नाव पर सवार हो जाना और इस तरीके से वीडियो के आ जाने के बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लापरवाही भरपूर हुई है और लापरवाही ने तकरीबन 11 परिवार के चिराग को बुझा दिया, 11 लोग काल के काल में समा गए और उसके बाद प्रशासन जागा है और अब जांच के आदेश दिए हैं और भोपाल में अब नाव से मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, यहाँ पर जो प्रत्यक्ष दर्शी थे उनका कहना था 20 से 25 के तकरीबन लोग सवार थे, क्या इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है कि महज 19 लोग ही इस नाव में सवार थे? फिलहाल जो अधिकारी कह रहे हैं, जो प्रशासन कह रहा है, जो पुलिस कह रही है, वो ये है कि नाव में 19 लोग सवार थे, 6 को बचा, 6 तैर कर या किसी तरीके से लोगों ने उन्हें बचा लिया गया, जबकि 13 लोग डूब गए थे, जिनमें से 11 लोगों की डेड बॉडी जो SDERF के और NDRF के और नगर निगम के गोताखोरों ने निकाल ली गई है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दी गई है, जबकि 2 लोग और जो है बताया जा रहा है कि लापता है, उन्हें खोजा जा रहा है सुबह से, तकरीबन 6 घंटे हो गए अभी तक जो 2 लोग लापता बताया जा रहा है उन्हें खोजा जा रहा है।
एडीजी जो एसडीआरएफ के हैं डीसी सागर वो मौजूद हैं। तमाम तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा गोताखोर लगा खटा छोटा तालाब में दो लोग जो गुमशुदा बताए जा रहे हैं, जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उन्हें खोजा जा रहा है फिलहाल, लेकिन अभी तक कोई भी उनका पता नहीं चला है। हालांकि दोनों जो बोट जिनसे मूर्ति ले जाई गई थी उनका पता चल गया है और एक बोट को जो है निकाला जा रहा है नगर निगम की क्रेन मशीन के द्वारा, लेकिन बड़ी लापरवाही है, विपक्ष हमलावर हो गया है ऐसे में। हालांकि प्रशासन और शासन भी मान रहा है कि लापरवाही हुई है, शासन के तमाम बड़े मंत्रियों ने आदेश दे दिए हैं जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल प्रबोध, जिस तरीके से बात की गई है कि जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, दोषी के तौर पर अगर देखा जाए तो पूरा प्रशासन अमला है। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात कही कि जब पता है कि हर जगह मूर्ति विसर्जन होता है, न लाइफ जैकेट थी, ना वहां गोताखोर तैनात किए गए और ना ही वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था की गई जिससे अगर कोई हादसा है तो उसे बचाया जा सके जो भी, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ प्रशासन भी उसका जिम्मेदार है, तो आखिर किसे दोषी ठहराया जाएगा? जानना बहुत जरूरी होगा कि देखिए कहीं भी यदि नावों से मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है या आमतौर पर हम कहीं जाते हैं नाव से कहीं पर यदि तालाब में उतरते हैं तो जो जैकेट होती है सुरक्षा कवच कहा जाता है पानी में उतरने का, वो जो नाव वाले हैं वो पहनाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि लापरवाही की पराकाष्ठा देखी जा रही है। उन लोगों को जो कुछ तो देखिए नाबालिग भी थे, उन जो नौ न्यायालयों को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई, उन्हें नाव में बैठने दिया गया, क्या वहां पर कोई प्रशासनिक अमला मौजूद नहीं था, क्या वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी, यदि मौजूद थी मौके पर तो क्या मूक दर्शक बनी रही और घटना के लिए पूर्ण रूप से बीजेपी प्रशासन को जिम्मेदार मान रही है, पुलिस को जिम्मेदार मान रही है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें और जो वीडियो निकलकर सामने आया है वो साफ बता रहा है कि लापरवाही की यहाँ पर पराकाष्ठा देखने को मिली है। हालांकि जांच के बाद दोषियों को सजा दी जाएगी ऐसा सरकार के मंत्री कह रहे हैं, और जो आई विटनेस है जिन लोगों ने किसी तरीके से उनकी जांच बची है उनके बयान लेकर जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, और दोनों जो नाव चालक थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। 11 लोग जो मृतक जिनके साथ निकाले गए उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है, और जांच के फिलहाल मजिस्ट्रेट जांच के तत्काल कलेक्टर ने आदेश दिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के भी आदेश कलेक्टर पिथौड़े ने साफ तौर पर जांच जो मजिस्ट्रेट जांच जो कमेटी करेगी उसको निर्देश दिया है। जी प्रमोद, जिस तरीके से जब ये नाव दोनों डूबी थी जो और भी नाविक वहां पर मौजूद होते हैं, क्या किसी ने भी जहमत नहीं उठाई? ये वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कुछ तैरकर लोग युवक आए हैं, क्या जो और नाविक थे या और लोग वहां पर मौजूद थे किसी ने भी जहमत नहीं उठाई यहां पर कूदने की या उन्हें बचाने की? देखिए वीडियो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इंसानियत उस समय दम तोड़ चुकी थी, और देखिए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग डूब रहे हैं और वहां पर हाहाकार वाला माहौल है, लोग चलिए इसी वक्त हम आपको ये बता देते हैं पीसी शर्मा ने क्या क्या कहा मंत्री ने, वो आपको सुनाते हैं। सबसे पहले ये मजिस्ट्रेट की जांच के मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं और जो जो नाव में ले गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी होंगे कार्रवाई होगी। सर एक वीडियो भी निकल के सामने आया घटना का? हाँ वीडियो में दिखा है ना कि बड़ी मूर्ति थी और वो जैसे ही हुआ तो नाव पलटी बड़ी मूर्ति की वजह से। क्या लगता है सर SDRF का मुख्यालय भी है और ऐसे में PHQ के पीछे एक बड़ी घटना हो जाना कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट जांच होगी उससे सब क्लियर हो जाएगा। बीजेपी ज्यादा मुआवजा देने की मांग कर रही है वो जो कुछ भी होगा ये मुख्यमंत्री संज्ञान में लाया जाएगा। नाव हादसे में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। 1100 क्वार्टर पिपलानी और निर्मल कुमार की रिपोर्ट पर नाविक आकाश बाथम और चंगू बाथम पर जहांगीराबाद में धारा 304A पर मामला दर्ज किया गया है। उधर हादसे के शिकार हुए लोगों के नाम सामने आ गए हैं। हादसे के शिकार हुए सभी युवक 1100 क्वार्टर पिपलानी के रहने वाले हैं। हम इन सभी के नाम आपको बता रहे हैं। परवेज पिता सैयद खान उम्र 15 वर्ष निवासी 1100 क्वार्टर पिपलानी। रोहित मौर्य पिता नंदू मौर्य उम्र 30 साल निवासी 1100 क्वार्टर पिपलानी। करण पिता उम्र 16 साल है और निवासी 1100 क्वार्टर पिपलानी। वहीं हर्ष उम्र 20 साल निवासी 1100 पिपलानी। सन्नी ठाकरे पिता नारायण ठाकरे उम्र 22 साल। राहुल वर्मा पिता मुन्ना वर्मा उम्र 30 साल ये भी वही 1100 क्वार्टर पिपलानी के रहने वाले हैं। विक्की पिता रामनाथ उम्र 28 साल। विशाल पिता राजू उम्र 22 साल।
और अर्जुन शर्मा पिता का नाम नहीं है, उम्र 18 साल थी, राहुल मिश्रा उम्र 20 साल थी और करण पिता पन्ना लाल उम्र 26 साल थी। 11 लोग थे, उन सभी के नाम हमने आपको बताया और ये सभी 1100 क्वार्टर पिपलानी के रहने वाले थे। और आपको बता दें कि बड़ी मूर्ति हो जाने के कारण ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि एक बड़ी मूर्ति हो चाहे कितनी भी बड़ी मूर्ति हो, एक छोटी सी नाव में ही ले जाकर लोग उसे विसर्जित करते हैं और वही एक इस हादसे का अहम कारण बना। और आपको बता दें ये सभी पिपलानी के रहने वाले थे युवक और एक ही जगह के रहने वाले थे ये सभी, क्योंकि अक्सर होता है कि जिस जगह के गणेश जी विसर्जित किए जाते हैं उस पूरे एरिया के, उस पूरे मोहल्ले के उस निवासी या युवा होते हैं वो जाते हैं साथ में। यही भी वही हुआ कि एक नाव में ये सभी सवार थे और हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। स्वराज एक्सप्रेस में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बहुत दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, ये हादसा रोका जा सकता था क्योंकि सब जानते हैं, पूरा प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री यहाँ है, मंत्री यहाँ है, SDRF है, NDRF है, पूरा प्रशासन यहाँ बैठा है, सबको पता है जनों से सब पे इतनी भीड़ होती है, क्यों सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए, क्यों बच्चों को नाव में बैठने दिया गया, क्यों गोताखोर नहीं थे, क्यों वो जिंदगी बचाने वाली जैकेट लाइफ जैकेट नहीं थी। अब ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे बच्चे 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के बच्चे चले गए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने भी कहा है कि वहां पर जब पता है कि हर बार गणेश जी की विसर्जित होते हैं वहां पर, तो वहां पर सुरक्षा इंतजाम जो क्यों नहीं किए गए, लाइफ जैकेट आपने जिक्र किया और भी तमाम सुविधाएं यहां पर करनी चाहिए थी, क्योंकि युवा हैं, आपने कहा कि जज्बाती तौर पर वो चढ़ जाते हैं नाव पर। बिल्कुल होनी चाहिए, युवा और जोश रहता है, लेकिन अगर गोताखोर होते, लाइफ जैकेट होती, बचाने वाले लोग होते, समझा तो आप सही। और यहाँ पर सर सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो नाविक थे उन पर केस दर्ज कर लिया गया, उन पर कार्रवाई होगी और मजिस्ट्रियल जांच, आखिर जांच में प्रशासन भी दोषी है। देखिए एक जी जिम्मेदार है, नाविकों को किस पे नाम में बैठ दिया, क्या नाविकों को रोक रोक पहले प्रयास किया गया, जिम्मेदार कौन है आखिर, जब ये पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो पहले आवश्यक उपाय क्यों नहीं किए गए, अगर वो किए जाते तो हादसा ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो जिम्मेदार जिस तरह की व्यवस्थाओं करने की उनने आपराधिक लापरवाही की है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, और उन परिवारों की देखरेख, वाह और बर्बाद हो गया, मैं तो घरों को जी। जिस तरीके से सर यहाँ पर मुआवजा राशि जो दी गई 11 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन 11 लाख रुपए में जिन्होंने अपने चिराग खो दिए, बुढ़ापे का सारा खो दिया, आपने कहा कि प्रशासनिक नौकरी और साथ ही साथ 25 लाख रुपए, जिस पर पीसी शर्मा से जवाब मांगा गया तो उन्होंने इसमें कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, ये कहे कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लाया जाएगा। देखिए सीधी बात यह कि लोग माँ पिता ने अपने बुढ़ापे की लाठी के सहारे खोए हैं, अब बच्चे वापस नहीं आ सकते, अपराधियों को सजा देनी चाहिए, लेकिन परिवार की जिंदगी कट जाए इसलिए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए और कम से कम 25 लाख रुपए राहत की राशि देनी चाहिए। जी अभी हाल ही में अभी ऐलान किया गया है कि नाव पर विसर्जन नहीं होगा मूर्ति का, इस निर्णय को कैसे देखते हैं सर? ये पीछे से लकीर पीटने का क्या फायदा, अब कायदे में पहले सारी व्यवस्था करनी चाहिए, नाव में जाए तो कितने लोग जाए, कैसे जाए, कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अब दुर्घटना हो गई तो ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा, तो नहीं किया जी। अगर भविष्य में इस तरीके के जो हादसे होते हैं, आपका व्यक्तिगत सुझाव क्या है इसके लिए जिससे ना हो? देखिए सुरक्षा के इंतजाम पूरे होने चाहिए, सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाना चाहिए, सुरक्षा के लिए एक एक करके भगवान की मूर्ति विसर्जित करने लोग जाए उसका तय करना चाहिए, जो वहां पहुंचे उनमें से कुछ पानी में ना जाए उसका रोकने का इंतजाम होना चाहिए,
गाँव में कितने लोग बैठे हैं ये तय होना चाहिए, गोताखोर रहना चाहिए, इसके बाद भी कोई घटना दुर्घटना हो जाए लाइफ जैकेट होना चाहिए ताकि लोग बचाए जा सके। अब ये सब कुछ किया ही नहीं है, अब कह रहे हैं कि नाव पर नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, आप पीछे से कहने का कोई फायदा नहीं, जैसे कि आपने जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए आपको सुनाते हैं कि कृष्णा गौ ने क्या क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं विधायक। निश्चित रूप से मानती हूँ कि इतनी बड़ी दुर्घटना प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। हर वर्ष आयोजन होता है, हर वर्ष व्यवस्थाएं होती है, इस वर्ष क्यों व्यवस्थाएं नहीं की और इतने बच्चे हमारे डूब गए पानी में। सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, के लिए कुछ नहीं होते। जिस परिवार का इकलौता चिराग चला गया है, हमने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से कम 25 लाख रुपए उस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और किसी परिवार के किसी व्यक्ति को जो योग्य हो, नौकरी करने लायक हो, उसको शासकीय नौकरी दी जाए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।